जारी रखें और तेजी से काम करें।
के लिए। और जब मोबाइल ऐप आपने बनाना शुरू किया, 2 दिन लगा दिया, 3 दिन लगा दिया, हम लोग को ये पता होती कि आप 3 दिन लगा रही हैं, 4 दिन लगा रही हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने भरा ही नहीं, जो भरे नहीं है किसी नहीं बनते, लेकिन जिन्होंने पूरा भरा वो बन गए। उस समय मैं ये बात इसको याद दिला रहा हूँ ताकि आप हमारे साथ भी खुश रहें। ये जो मोबाइल ऐप पे भरने वाला तरीका था, ये समय कुछ ऐसा था जब हम लोग घर से निकल नहीं पाते। क्यों निकल नहीं पाते थे? क्या चल रहा था? कोविड चला था, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, बहुत डरे हुए थे हम लोग। अब घर से निकलना उतरना बंद कर दिया गया, सरकार तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही थी और शहर में तो चिड़िया पर तक नहीं मार पा रही थी, गाँव में थोड़े बहुत निकल रहे थे। उस समय आपको अखबार में आई होगी या फिर आपको किसी ने बोला होगा कि कोई जीसी सर्टी नाम की चिड़िया है वो मोबाइल ऐप से अप्लाई करना पड़ता है। और आप में से बहुतों के पास मोबाइल स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, है ना जी सर? तो आपने किसी से मांगा, किसी से दिया, घर वाले से मिन्नत की, थोड़ा थोड़ा समय कर उसको भरा और सबमिट किया और फिर आपको लगा कि पता नहीं ये हो गया, आपको कुछ होगा कि नहीं होगा, आपको लगा रहे ऐसे कर दिया। फिर एक दिन आरसीटी से फोन आया और एक दिन आपके पास मोबाइल ऐप पे एक मैसेज आया कि आप फिर सेलेक्ट हो गई और आपको आरसीटी से फोन आएगा, आपको 6 दिन की ट्रेनिंग करनी है और जिले में जाकर निकलना है और सबसे नीचे ये लिखा हुआ था कि किसी को पैसे नहीं देना है, आने लिखा हुआ जी सर। और ये भी सिर्फ आने जाने का खर्चे के अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। तब आपको लगा कि अच्छा, ये जो भरे थे उसके वजह से मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों को पता थी कि आपने कौन सा मैसेज पढ़ा और कौन सा मैसेज आप नहीं पढ़ता। जब आप पढ़ती हैं मोबाइल ऐप के मैसेज में तो हमारे पास कंप्यूटर में उसके संकेत आते हैं। आज शिवानी जी ने मैसेज देखा, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एक दिन रात को 2:30 बजे के आसपास हमारी नींद खुली बाथरूम जाने के लिए, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो 460 के आसपास चले गए। 342 है जो काम कर रहे हैं आप भी। हम लोग के पास इस बात की सूची होती है कि वो क्या कर रही है। अगर हमको ये पता होती है कि आपने हमारा मैसेज पढ़ा ही नहीं तो हमको ये भी तो पता होगी ना कि आप ट्रांजेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। आप एक आवाज में बोलिए क्या आप काम कर रही है? जी सर। कुछ लोगों ने बोला नहीं, सच बोल रही है ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ये 90 BC वो 90 BC है जो काम से कम कर रही है। जो सूची बनी ऊपर से नीचे तक, सबसे अच्छे वाले सबसे ऊपर कल्पना यादव, किरण यादव जिनको हम कल लेकर के आए, उन्होंने बताया किरण जी ने पिछले 7 महीने में कितना कमाया, एक विषमपुर ग्राम था सेवा पूरी ब्लॉक यहाँ पे आप किरण जी ने 85,000 रुपये का औसतन हर महीने में 12,000 रुपये कमाए और इस 12,000 रुपये में उनका पिछले 4 महीने का जो उनको मानदेय मिला है 16,000 रुपये वो नहीं गिना और उसका जोड़ देंगे तो 1,00,000 हो गया। कल मैं उनके साथ था तो उनको मैंने कहा कि चलिए उस तालाब तक चलेंगे, एक महीने का तालाब मिल रहा है, उनके पति उनके ड्राइवर बने और वो अपने पति के मोटरसाइकिल चढ़कर तो वहां तक पहुंचे।
पता नहीं पहले पति ऐसा करते थे कि नहीं, पतियों के कम कतरा नहीं होता। और जो दूसरे नंबर पे थी अमृता, बहुत बड़ा एक गाँव है कैहरपुर, वो कैहरपुर की है, इतना बड़ा गाँव है कि उस गाँव में 350 परिवार से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग परिवार के हैं, दोनों तरह मिले। तो कल्पना जी एक नंबर, किरण जी एक नंबर, और दूसरा हमने क्या नाम बताया जी, अमृता, अमृता दो नंबर। उस सूची में जो नीचे से 90 लोग हैं हम लोग हैं। वही कह रहा था जी। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ऐसी कमी भरी हुई है जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता। दूसरा आपको मैंने सीखा, किसी ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोने से ये नहीं कहा कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। किसी ने नहीं कहा कि इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, ऐसा है कि फोन नहीं है, लेकिन इंटरनेट नहीं है ये किसी ने नहीं कहा, कर नहीं पा रही हूँ ये किसी ने नहीं कहा। आधार का फोटो अपलोड करना है, खुद की प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है, कोई घर के मैक्सी में है, साड़ी में है, उसी में फोटो खींच के अपलोड कर दिया, छिप छिप करके फोटो अपलोड कर दिया, आधार पेड़ी मेरी है लेकिन मजबूत पढ़ा जा रहा है। किसी किसी के पास फोन नहीं था तो वो चले गए साइबर कैफे, आज साइबर कैफे वाले को बोला कि भैया हमारा काम करो, तुमको उसको पता है कि घर में किसको बोले तो माने गए नहीं, साइबर कैफे तो चले गए और साइबर कैफे वाले के पास जो फोन है उससे अपना नाम वगैरह अपलोड कर दिया और उनका फोन नंबर भी डाल दिया। जब सबके आवेदन हमारे पास आ गए और जब हमने उनको फोन करना शुरू किया तो हमारे कॉन्ट्रेक्टर वालों ने बोला कि ये गलत नंबर है क्योंकि इस पर कोई साइबर कैफे वाला फोन था। हमने कहा कि गलत नंबर नहीं है, सही नंबर है। अब उस साइबर कैफे वाले को पूछो वो देवी जी कहाँ रहती है। और बात रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को ये पता थी कि आप कितने मुश्किल हालात में, हम लोग ये पता थी कि आपको दो तीन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है हर रोज, सुबह से लेकर के रात को सोने जाते समय दिन भर लड़ती हैं, दुखी होती हैं, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, सोचती हैं, हो जाती हैं, निकल कर इसी होगा और सुबह उठ के फिर वो हर रोज। और ऐसा आपकी जिंदगी में खाली नहीं हुआ, ऐसा कई हजार साल से चल रहा है। आप यहाँ पर हैं वो उस बैंक मैनेजर की बदौलत नहीं है, आप अपने बदौलत हैं। आप तो पता नहीं आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, मैं सब कर रहा हूँ कि अभी आपको प्लीज यहाँ बैठे रहिए, अभी कम तो कुछ चाय मिल रही है, अभी चाय आ रही है, मैं आपको इजाजत करता हूँ कि आप यहाँ पर आधे घंटे पैदल चलने और भी बड़ी मैं नहीं, लेकिन जो रॉयल के लोग हैं आप ये इंश्योर करिए कि आपकी बात सुनी जा रही है और नाम से लिखी जा रही है। क्या बताती हैं कि आप बीसी हैं, ये बारे में सवाल कर रहा हूँ, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो हाँ ना में जवाब हो सकता है, ठीक है। और मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, जोर से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी आदमी सुन पाए, ठीक है। मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा बात करने का जिसको सब लोग न जाने,
क्या बताती हैं कि आप किसी हैं? जी बताती। क्या आप उनको कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती हैं? सर कई बार खाता पीवा है सर। क्या आपको कोई आई कार्ड आप उसको दिखाती है? आपने से किसी के पास आई कार्ड नहीं है? क्या आपके पास आई कार्ड होना चाहिए? क्या उस आई कार्ड में ये पता होनी चाहिए लोगों को कि आप न सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी हैं, बल्कि आपके पीछे यूपी एसएलएम और उत्तर प्रदेश शासन खड़ी है? तो इन तीनों के लोगों होने चाहिए। एमसीओ और रॉयटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग सुन रहे हैं। सर, लेटर से मैं समझ गया आपकी बात। आपको लगता है किसी बैंक में जमा करना चाहिए? तो आप कह रही हैं, मुझे पता है, देखिए ये जो बोल रही है, मैं तो चाहता था कि ये बोल जाए, ये बोल रही है। आज जब मीटिंग शुरू हुई थी वो इतनी हिम्मत नहीं थी, ये बनी पिछले आधे घंटे में। ये जो बोल रही है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, रॉयलेट के लोग सुन रहे हैं, बताइए। ये बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे हैं। आप अगर बीसी हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका सेटलमेंट बैंक है, मालिक नहीं है, जरूरत नहीं है आपको लिक्विडिटी की जरूरत है। ये आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा और रॉयनेट के मित्रों से पूछिए। अगर आपको ये बात आरसीटी की ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया है तो ये मंच नहीं है बात करने का। क्या आप लोगों ने सिखाया नहीं कोडी क्या होता है? आप जब काम नहीं करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या सीखा, आपके साथ कोई हो रहा। आप कब ट्रेनिंग लिया था आपने? इसीलिए आप भूल नहीं। अगर आप काम करती रहती आपको याद रहता। ओडी के बारे में बताया गया, आपको अच्छा खासा बताया गया। जिस किताब को आपने पढ़ा है वो किताब मैंने भी पढ़ा है। अब मुझे पता है कि आप किसी ट्रेनिंग में क्या बात होती है। बैठिए, लोग पहचान ले रहे हैं। मैंने आपसे वो बातें की जो सच है, मैंने वो बातें आपसे की जिससे आपको दिल को अच्छा लगा। मैं आपसे वो बात कह रहा हूँ जो सच है, लेकिन आपके दिल को अच्छा नहीं लगा। मैं आपके साथ अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ईमानदार बात कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम जो काम हजारों साल में नहीं हुआ महिलाओं के साथ, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारी सारी बीसी सखी होंगी, इसका मतलब सरकार ने आपके भरोसा जताया, महिलाओं पर भरोसा जताया। तो क्या आप उनके भरोसे पे खरी उतर रही हैं? कोई समय नहीं लगेगा। देखिए, आप ही की जगह पे रह करके एक किरण ज्यादा बन जाती है। उनके नंबर IIBF में आपसे कम आए हैं। मैं बनारस की बात कर रहा हूँ। आप जिस ब्लॉक से आए हैं उन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, और वहाँ के जो अच्छे बीसी है उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें से काफी लोग आपके बैच के हैं। देखिए, एक बात समझिए। अगर आपने अपनी कमजोरी को ढाका, स्वीकार नहीं किया, तो आप उस कमजोरी से बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपके हाथ में एक घाव हो गया है, छाला पड़ा है, और आप उसको ना देखना चाहती हैं ना किसी को दिखाना चाहती हैं, क्या वो ठीक होगा? ठीक होने के लिए उसको देखना पड़ेगा, उसका जो दर्द है उसको महसूस करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कौन उसको ठीक कर सकता है, उसके पास आना पड़ेगा, उसको दिखाना होगा, तब ठीक होगा। छिपाने से ठीक नहीं होगा। आप यहाँ पर हैं क्योंकि आपके अंदर में कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रही। उन
कमजोरियों में से कुछ को हम लोग ठीक कर सकते हैं, मशीनें हम ठीक कर सकते हैं। आर शेट्टी को हम ये गुजारिश कर सकते हैं कि एक बार आप इनके पास दोबारा चले जाइए और देखिए कि वो कैसे काम करा जा सकता है। रॉयलेट के मित्रों के बैंक ऑफ बड़ौदा के मित्रों को कह सकते हैं कि इनको मिलिए, हर हफ्ते एक बार मिलिए। जिस दिन ये कह रही हैं कि आज मैं 10 घंटे बैठने वाली हूँ पंचायत भवन में, रेगा वेबसाइट में, आज मैं 50 करके संकल्प के मानूंगी, उस दिन ये आपके साथ है। तो हम लोग को लगा कि ये महिलाएं इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने एक ऐसा मोबाइल ऐप का फॉर्म भर दिया जिसपे 90 सवाल हैं और उन 90 सवालों के 900 जवाब हैं। तो हमने दो चीज सीखा, पहला कि आप बहुत काबिल हैं और आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। 4,18,055 महिलाओं ने ये फॉर्म भरा है, तो क्या उनकी काबिलियत पर चेक कर सकते हैं? जबकि पद कितने हैं? 58,000। अयोध्या में ग्राम पंचायत है, वहां से 92 लोगों ने आवेदन किया, 92। आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना कुतूहल था और कितनी उत्सुकता थी, और जो उनकी काबिलियत, आपकी जो काबिलियत है, तो आप किसी से बोल नहीं पाती थी, अपने परिवार में बात नहीं कर पाती थी, अपने सहेलियों को कभी आपने बताया नहीं होगा, और वो आपके अंदर क्षमता थी जो निकल करके आई। किसी को पता थी कि आप इतना बड़ा फॉर्म भर सकती हैं पहली बार, लेकिन आपने किया। तो पहला चीज हमने सीखा, अली आपके यहाँ रोने का कोई प्रतिनिधि है? क्या नाम है? किसी को सुनने सुनने मिला? थोड़ा जोर से बोलिए। आया हुआ है, बोलिए उनको खड़े हो जाए। आप बताइए आपका प्रॉब्लम, बताइए कब बोला आपने इनको? आप इनका प्रॉब्लम जानते हैं? कब बताए उन्होंने आपको? वही मानसा वही रहिए ना, वहां तक जोर से बोलेंगे सब लोग सुन पाएंगे। कब बोला? इन्होंने आपको कब बोला कि इनको बैंक से दिक्कत हो रही है? इन्होंने आपको कब बोला? कब बोला? आपने एक हफ्ते पहले से उसके पहले क्यों नहीं बोला? एक हफ्ते में आपने क्या कर लिया? आपकी समस्या सुलभ सुलझ गई? एटीएम भी नहीं देते। आपके एक हफ्ते के काम से एक किसी का समस्या नहीं सुलझा। अब मैं तो आपकी तारीफ नहीं करूंगा, आपके संस्था में लोग आपकी तारीफ करेंगे। प्रोफेशन में, पेशे में एक कहावत है, प्रोफेशन एक धर्म है, पेशेवर लोग एक धर्म का पालन करते हैं। उस धर्म में एक मंत्र लिखा हुआ है, क्वेश्चन योर असम्पशन डेली, अपने मान्यताओं को परखिए रोज हमेशा कि आप प्रोफेशन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अपने एक हफ्ते में बोलिए। और कोई समस्या? तो आप अगर जोर से बात नहीं कर पा रहे तो आप बिजी नहीं हो सकते। एक सेकंड, उनकी समस्या सुनने के लिए बैठे हैं, आप जिनकी समस्या के लिए, इनको क्या चाहिए था?
इनको इनके कस्टमर को सर एटीएम कार्ड क्या मुझे मिला क्या उस कस्टमर को एटीएम मिला? क्या मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या उसके कस्टमर को एटीएम मिला? नहीं नहीं मिला। क्यों? सर बैंक से एटीएम आ ही नहीं रहा। बैंक से एटीएम आ नहीं रहा, कब आएगा ये? सर अभी उन्होंने बोला है कि अभी हमारे यहाँ हेड ऑफिस से एटीएम नहीं आ रहा। क्या आप उनके हेड ऑफिस से बात की? सर उनके हेड ऑफिस से बात की? नहीं सर, हमने तो आर ओ ऑफिस में वहाँ ब्रांच में बता दिया। किसको बताया? वहाँ ब्रांच में जो मैनेजर साहब है उनको। नाम क्या उनका जी? नाम क्या है? नाम आप डाल नहीं सकते मुझे, मैं आपकी जड़ें खोल रहा हूँ। आप मुझे डाल नहीं पाएंगे, मैं आपकी जड़ें खोल रहा हूँ और खोद दूंगा आपके ब्रांच से लेकर के मुंबई तक की जड़ें खोल दूंगा। We don't care for you, we care for her. And you give a damn to excuses. जानते हैं डैम का मतलब? यू गिव अ डैम। आपकी कोई एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है अगर उससे नतीजा नहीं निकलता और वो निकल नहीं रहा, वरना ये 90 लोग यहां नहीं होते। और समस्या 19 दिन में आपसे ईमानदारी से 2 घंटे मांगा और जिसका 50 ट्रांजेक्शन 21 मई से पहले एक दिन में किसी भी एक दिन में नहीं होगा, उनके साथ हमारा ये रिश्ता मुश्किल है चलना। अब आप जोर से नहीं बोल पाएंगे तो आप बिजी नहीं हो सकते। आपके पास आपके पास जाना पड़ेगा, कहाँ आपके पास नहीं आएगा। देखिए एक सेकंड एक सेकंड इस सवाल से मैं बता दूं, क्योंकि ये गलत फहमी है। ये बीसीओ का कार्यक्रम, एक मिनट, बीसीओ का कार्यक्रम हो सकता है कि सवाल के जवाब में मैं बोलूं गौरतों के सवाल के जवाब हो जाए। सरकार ने बीसी क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि लोग बैंक जाने से झिझकते हैं, बैंक दूर होता है। जो महिला वृद्धावस्था पेंशन पा रही है, बेटा जो लड़का या लड़की विकलांग का पेंशन पा रहे हैं, कहो ना कैसे बैंक जा सकते? इतना खर्चा होता है बैंक जाने में, पूरा दिन खराब हो जाता है, अपमान होता है। उतना छोटा सा पैसा आप जब बैंक में निकालते हैं तो आपको हमेशा ये लगा रहता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं सिर्फ 2 रुपए निकाल रही हूँ, बाकी लोग 20,000 निकाल रहा है, 5,000 निकाल रहा है। मन में कुंडा होती है, हम नहीं जाना चाहते हैं। गेट पे दरवान खड़ा रहता है, बड़ा सा बंदूक लेकर आपके कपड़े देख कर वो ऐसे देखता है जैसे कोई अजूबा आ गया। कोई तीसरा कारण है? तीसरा कारण है हम लोगों को मानदेय मिलना चाहिए, हम लोगों का मानदेय नहीं। तो अगर मानदेय नहीं मिलेगा तो क्या आप काम करेंगी? सर हम लोगों को कमीशन इतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। जो काम नहीं कर रहे हैं उसको सरकार मानदेय क्यों दे? काम हम लोग करने के लिए इच्छुक हैं सर, हम लोग कर। वो शर्त नहीं है कि आप काम कर सकती हैं, क्योंकि मानदेय उनके लिए जो काम करना चाहते हैं, और आप जो 90 लोग हैं उनसे हमको यही पता लगता है कि आप काम नहीं करना चाहते। नहीं सर, मानदेय अगर इनमें से कोई मानदेय की वजह से आए हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। मानदेय है, मानदेय है आपके सम्मान के लिए। मान का मतलब क्या होता है? सम्मान। क्या आपने सम्मान कमाया है? बिना काम का सम्मान नहीं आता है। अगर आपने काम नहीं किया तो सम्मान नहीं है, अगर सम्मान नहीं है तो देयता नहीं है। हम क्यों ना किरण यादव को 4,000 की जगह 6,000 दें? है ना सोचने वाली बात? आपको 4,000 रुपया इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपका अधिकार है, आपको 4,000 रुपया इसलिए दिया जाता है ताकि आपके कोशिश के बाद अगर आप काम ना कर सके तो भी आप लगी रहे। ये 4,000 रुपया आप अगर एक गाड़ी है, ये 4,000 रुपया आपका पेट्रोल है,
जो गाड़ी चल नहीं रही है उस पे पेट्रोल डालने की कोई जरूरत नहीं है, खड़ी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला जाएगा। आगे जो होने वाला है मैं बता देता हूँ। हमने अपने रॉयनेट के जो मित्र हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा, उन दोनों से ये गुजारिश की है कि आपके तरफ में कोई कमी नहीं है। आज 12 तारीख है, ये महीना 31 दिन का है, तो अभी 20 दिन रह गए, 19 दिन रह गए। इस अगले 19 दिन में कम से कम एक दिन कम से कम 50 ट्रांजेक्शन करेंगे। एक ट्रांजेक्शन करने में लोगों ने मुझे बताया एक मिनट लगता है, मैंने माना 2 मिनट लगता है। तो अगर आप 50 ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितने मिनट लगेंगे? 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब 2 घंटे। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि माझी साहब से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, माझी साहब से इस कार्यक्रम का नियंत्रण और कंट्रोल हो रहा है और इन्हीं के साथ समाप्त भी होगा। तो किसी से ही कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और आप जो लोग अच्छा कार्यक्रम कर रहे, परफॉर्म कर रहे थे, इनमें से कोई नहीं है। कोई भी कोई समस्या जरूर आ रही हो, आपने पहले आवेदन किया, उसके बाद से भाई में ट्रेनिंग ली, फिर आप सर्टिफाई हुए, फिर घर परिवार से लड़े होंगे, मशीन ली और फिर भी आपकी कमाई बिल्कुल हो ही नहीं रही है, जरूर कोई ना कोई बाधा रही होगी। बाधा आप ही होंगे, उसमें से कोई बाधा आप नहीं होंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी, खरीद सर्व निर्वा गाँव हो जाएंगे। बाद माली साहब हम लोगों ने आमंत्रित किया है, ये सारी बातें आपसे सुने, यही एक बात व्यक्ति है जो हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। हर आदमी थोड़ा थोड़ा कर सकता है, सुझाव दे सकता है, समझा सकता है, लेकिन समस्या का हर उत्तर प्रदेश में माली साहब जवाब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब चीज़ें गंगोत्री हैं, ये शुरू हुई है हिंद महासागर एरिया खत्म होगी। तो आप लोग के मन पे जो कुछ भी हो उसके समय खुल के बताइएगा, आर सी पी के बारे में, लीड बैंक के बारे में, बैंक बड़ौदा के बारे में, सेवा प्रदाता के बारे में, तनिक भी भय या लालच करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप चुप रहेंगी तो बाद में समस्या बनेगी आपको। इसी उत्तर प्रदेश में बागपत में, सहारनपुर में, अम्बेडकर नगर में लोग 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कमा के बैठे हुए हैं। वही मशीन आपके पास है, वही ट्रेनिंग आपके पास है, वही कमाई आपने की है और उसके बाद आपके यहाँ क्यों 1,000-2,000 की आमदनी नहीं हो पा रही आपको? 6 महीने में 1 या 2 दिन आपको सेंटर खोला है, तो अच्छा एक तरफ से उससे नुकसान ये हो रहा है कि आपको कमाई कमी हो रही है और दूसरा फिर गाँव के लोग सुविधा से वंचित हो रहे, सरकार बदनाम हो रही है, बैंक बदनाम हो रहा है, क्योंकि बीसी से पिछले बनाई गई थी कि आप ईमानदारी से काम करेंगे और घर घर जाकर पेमेंट होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। आने वाले टाइम में सब लेवर सबके पेमेंट आपके माध्यम से होने हैं, लाखों लाख की आमदनी होनी है। अगर आप लोगों का ये शुरुआत है काम करने का तो अंत कैसा होगा सोच लीजिए। तो अपनी कमियां भी बताइए और बाकी लोगों की कमियां बताइए और ये भी सब क्या होती है कैसे ठीक होगा, क्योंकि ये 19 दिन में आपसे ईमानदारी से 2 घंटे मांगा और जिसका 50 ट्रांजेक्शन 21 मई से पहले एक दिन में किसी भी एक दिन नहीं होगा, उनके साथ हमारा ये रिश्ता मुश्किल है चलना। अब आप जोर से नहीं बोल पाएंगे तो आप किसी नहीं हो सकते। आपके पास आपके पास जाना पड़ेगा, कहा आपके पास नहीं आएगा। देखिए एक सेकंड इस सवाल से मैं बता दूं, क्योंकि ये गलत कमी है, ये बीसीओं का कार्यक्रम, एक मिनट, बीसीओं का कार्यक्रम हो सकता है इनके सवाल के जवाब में मैं बोलूं, बहुतों के सवाल के जवाब हो जाए। सरकार ने बीसी क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि लोग बैंक जाने से झिझकते हैं, बैंक दूर होता है, जो महिला वृद्धावस्था पेंशन पा रही है, जो लड़का या लड़की विकलांग का पेंशन पा रहे हैं, कैसे बैंक जा सकते? कितना खर्चा होता है बैंक जाने में, पूरा दिन खराब हो जाता है, अपमान होता है, उतना छोटा सा पैसा आप जब बैंक में निकालते हैं तो आपको हमेशा ये लगा रहता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं सिर्फ 2 रुपए निकाल रही हूँ और बाकी लोग 20,000 निकाल रहा है, 5,000 निकाल रहा है, मन में कुंठा होती है, अपने सामने हम नहीं जाना चाहते हैं। गेट पे दरवान खड़ा रहता है बड़ा सा बंदूक लेकर, आपके कपड़े देखकर वो ऐसे देखता है जैसे कोई अजूबा आ गया।